तो हे गाइस, मेरा नाम है ठाकुर दीन। आप लोग देख रहे हैं अपना चैनल LCD टेक्निकल। तो गाइस, मैं आज बात करने वाला हूँ ICICI बैंक का ऐप आया है गाइस, आई मोबाइल पे। तो दोस्तों, आई मोबाइल पे से आप टोटली ही काम कर सकते हो, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, ऐसे ही गाइस। चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो पे बने रहें। आप लोग सीखना चाहते हैं मनी ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, दूसरा बैंक ऐड कैसे करते हैं, या आप लोग रिचार्ज कैसे करते हैं, या लॉगिन कैसे करते हैं, तो दोस्तों मैं इसी टॉपिक पे आज बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको चुटकियों पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आपको एप्लीकेशन खोल लेनी है। तो दोस्तों, हम एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखे हैं, तो आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा गाइस, आपको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, खुलने में लेट लगता है, तो आप लोग थोड़ा घबराए नहीं, तो यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर देना है। आपको अलाउ पर क्लिक करना है तो गाइस, आपको थोड़ा वेट करना है। इसके बाद गाइस थोड़ा ऐसा लेगा, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस ऑटोमेटिक खुलेगा गाइस, आप लोग वेट करते रहिए। इसके बाद गाइस कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इसके बाद आपको इस पर गेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इंडिया पर सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो सिम हो, पहला या दूसरा, आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद लॉगिन लेगा गाइस, लोडिंग लेगा, थोड़ा आपको वेट करना है। इसके बाद गाइस थोड़ा मिनट गिनेगा, मिनट लेगा। इसके बाद आप वेरीफाई लेगा, इसके बाद आपका पिन पूछा जाएगा, तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करके अपना पिन पूछ सकते हैं। तो अपना पिन सेलेक्ट कर लीजिए गाइस, जो आपका पिन हो। तो आप सेलेक्ट करने बाद गाइस, आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने बाद गाइस, आपका पिन हो जाएगा, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस, आपको यहाँ पर पिन डालना पड़ेगा, आपको अपना पिन डालना है। इसके बाद आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से कंटिन्यू। इसके बाद गाइस आपको टोटली खुल जाएगा। तो गाइस, आप लोग अपना, पहले मैं गाइस रिचार्ज करने के लिए दिखा देता हूँ। गाइस यहाँ पर मोबाइल, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना रिचार्ज डाल सकते हैं। इसके बाद गाइस मनी ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, तो गाइस आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखते हैं सेंड मनी पर यहाँ पर दिखा गया है, तो यहाँ पर सेंड मनी पर क्लिक करेंगे गाइस। यहाँ टू अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पे अकाउंट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर गाइस अपना अकाउंट की डिटेल्स डाल देंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अपना पिन डालेंगे, इसके बाद पैसा दूसरे के पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, इसका हो गया। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर मे पर क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस यहाँ पर अपना दूसरा अकाउंट ऐड करना है, तो गाइस यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद लाइफ अकाउंट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो आपका बैंक हो गाइस, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद और चाहिए तो आपको जो चाहिए यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी आपका बैंक हो यहाँ पर गाइस, जो भी आप बैंक सेलेक्ट करना चाहते हैं, बैंक सेलेक्ट करके इसके बाद आपको हमारा है गाइस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके बाद आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे गाइस, वो वेरीफाई लेगा, पिन पूछा जाएगा, इसके बाद वेरीफाई हो जाएगा। तो गाइस ये भी आप जान लिए हैं। अब QR कोड आता है गाइस, QR कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, आपको QR कोड देख सकते हैं। यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करेंगे, QR कोड चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम इसको अलाउ कर देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सब समस्या समाधान मिल गया होगा गाइस। आप लोग ऐसे ही मोबाइल पे गाइस, मोबाइल पे बहुत ही अच्छा है, आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग यूज करें। और गाइस बहुत ही जल्दी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आजकल कोई कैश लेकर कौन घूमता है गाइस, सब लोग
फ़ोन से ही करते हैं। तो उम्मीद है गाइस आप लोग भी ऐसा ही करेंगे। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो थी, अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि न्यू जानकारी आपके पास चुटकियों में पहुँचाता रहूँ आपके फ़ोन में। तो दोस्तों टेक केयर एंड गुड बाय।